मन्नू ये आपकी सिस्टर आई है। ए मन्नू खान, मन्नू डॉगिया में मन्नू खान। ये मैडम है, देखो धड़ाप धुड़प के बस इसको जूस बना के दो, वीट का जूस, ऑरेंज जूस, बस मोबाइल में पड़े रहती है। तुम लोग के सामने दूसरा थोड़ा सा काम दिख जाता है, तुम इतना उतर दीदी काम मत करो, ये मत करो, बताए सब काम मैं करता हूँ। तो किसी में मैं आराम कर रही हूँ, उस टाइम में वीडियो शूट हो रही है ये। नहीं नहीं नहीं, मॉर्निंग से आपको सुबह काम कर रही हूँ, स्वेलिंग आ गई कल से मेरे पैरों में। देखा स्वेलिंग है मेरे पैरों में, कुछ दिख तो नहीं रहा मुझको। उनको क्यों दिखेगी, कैमरे में भी नहीं दिख रहा है। फिर कौन सा जूस पी रही हो? खून पी रही हो? मेरा खून, खून ये इसको गुलो का राज ये है कि मेरा खून पी रही, गिलास भर के निकाल के दिया खून मैंने। देखो ये देखो खून, ब्लड है देखो। अगर जी ऐसा बोल देंगे तो मुझसे पिया भी नहीं जाएगा, मेरा खून है, मेरा खून है, मेरा है। रह जाएगा ऐसे ही पूरा गिलास भर भर के तीन चार बार मेरा खून पीती है। गुड मॉर्निंग, अभी स्टार्ट हो गई है घर में लंच की प्रिपरेशन और मैंने गुड मॉर्निंग किया है लंच की तैयारी के साथ। और अल्तमश मैं कर रही हूँ क्या? अल्तमश ये अल्तमश जस्ट अभी नहा के आए थे और अगर आपने अपने लेग नीचे नहीं रखे तो मैं उधर आ जाऊंगी। पूरा नंगू है, जस्ट नहा के आए हैं। नीचे करूं करूं नीचे करूं करूं। चलिए तो आज एक्चुअली हमको कुछ भी समझ नहीं रहा था कि हमने क्या बनाना चाहिए, क्योंकि सारी सब्जियां खा खा के हम हो गए हैं बोर। तो एक्चुअली जो सब्जियां हम खाते हैं ना, लकी ने हमको एक आइडिया दिया है कि जो गवार की फली होती है ना वो बिल्कुल खाने का मन नहीं है, तो इसको मिक्सर में दरदरा पीस लो। और आप देख सकते हैं इसको हमने ऐसे पीस लिया है। अब हम इसका जबरदस्त जो ठेचा टाइप सब्जी बनती है वो बनाने वाले हैं। तो फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं और देखते हैं कि ये कैसी लगती है। किसने गाइड किया ये सब्जी ऐसी बनाओ? देखो मस्त है, इसको बेसन के लेके मस्त बनाना इसको। नहीं नहीं, किसने एडवाइस किया था ये ऐसे बनाओ? मैंने, लकी खान ने, गुप्ता जी गवाह इसके। नहीं तो मैं भी गवाह हूँ ना, मैं तो खुद बता रही हूँ। अपना अपना ले लेती पूरा। नहीं नहीं मैं नहीं, जब आई अपन सब्जी के लिए कंफ्यूज हो रहे थे तो हमको तो ये एडवाइस लकी ने ही दी ना। क्या बनाना क्या बनाना, फिर मेरे अचानक दिमाग में, बहुत टैलेंटेड इंसान हूँ, मैं बहुत टैलेंटेड इंसान हूँ। तो अभी हम एक्चुअली पूरा हर चीज को मैं मोड़ मोड़ के एकदम बहुत खतरनाक टैलेंट है, मैं बहुत खतरनाक टैलेंट है। लेकिन अभी इन्होंने सिर्फ हमको एडवाइस किया है, कंफर्म नहीं है कि कैसे बनने वाला है। मैं अभी भी बता सकता हूँ कैसा बनना है एकदम। अरे वो ठेचा नहीं आता है तुम, वो क्या बोलते हो उसको अपने सब्जी होती है अपन, चने की कच्चे चने नहीं आते, उसको अपन कूद कूद के बनाते हैं, कूद कूद के बनाते हैं, कूद कूद के बनाते हैं, कूद के नहीं बनाते। इसके बाद फिर हमने रख दिया था ऑयल सब्जी बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमने ऑयल थोड़ा ज़्यादा लिया था और उसमें राई और जीरा डाल दिया। उसके बाद जो सूखी खड़ी लाल मिर्चें आती हैं वो डाली, क्योंकि जो सब्जी है हम ग्रीन ग्रीन बनाने वाले हैं। उसके बाद मैंने जो हरी मिर्चें थी वो डाली, ये वाली हरी मिर्च बिल्कुल भी तेज़ नहीं है, सो हमने क्वान्टिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखी थी। और उसके बाद हम ले लेंगे प्याज, जो कि हमने दो बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, और इसे अच्छे से भून लेंगे। और अच्छे से भूनने के बाद इसमें सॉल्ट और टर्मरिक हम डाल देंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे, और साथ ही हम ऐड कर देंगे गरम मसाले। ये जो हमने घर का बनाया हुआ गरम मसाला है वो है जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।
उसके बाद यहाँ पर आ गए थे लकी ये दिखाने के लिए कि ये पूरी सब्जी मैं बना रहा हूँ। ये देखो ये मैं बना रही थी ना अभी, ये देखो ये आके खड़े हो गए नमाज के बाद, और अब ये कह रहे हैं ये तो मैं बना रहा हूँ। अरे कामी मैंने खुद ने बना, मैं ये दोनों क्लिप एक साथ डालूंगी, पता है जो बन रहा था ये आए उसके बाद ये वाली। चलो ठीक है, जब तक मेरे नमाज से आए थे तुम्हें ये खुशबू नहीं आ रही थी, जैसा मेरे हाथ में खुशबू आना शुरू है ना गुप्ता। अब यहाँ पर हमने इसमें ऐड कर दिए हैं टमाटर, जो टमाटर हमने 3 से 4 लिए थे बड़े साइज के। अब इसमें मैंने थोड़ा सा मटन मसाला जो आता है वो डाल दिया था, क्योंकि इससे सब्जी का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। अब इसे अच्छा ऑयल छोड़ने देने तक अच्छे से पकाएंगे, उसके बाद जो हमने ग्वार की फली मिक्सर में पीस ली थी उसे डाल देंगे और इसे बिल्कुल अच्छे से हम सेम आँच पर पकने देंगे। प्यास लगी है, क्या लगा है? एक्चुअली रोटी नहीं बनी है घर में, तो भैया भी रोटी बना रहे हैं, तो उसको रोटी देके पहले पानी पी लेते हैं। कौन कौन कौन, क्या नाम है आपका, कहाँ से है आप? अच्छा मन्ना की फ्रेंड है। ओ है आपकी दीदी है यार। मन्नो ये आपकी सिस्टर आई है। बस अभी ये फुलका बन रहा है गाय के लिए, फिर हम उसको ले जाके देंगे। आप देख सकते हैं वो खड़ी है बाहर। Wow, yummy and delicious. अभी बहुत टेस्टी लंच करने के बाद हम रेस्ट कर रहे थे, उसके बाद अब मैं बना रही हूँ टी, क्योंकि अभी 5:30 होने वाले हैं और उसके बाद हम चलेंगे टेरिस पे, क्योंकि मुझे आपसे बहुत जरूरी बातें करनी है, कुछ जरूरी मुझे एडवाइस चाहिए। लुक देख, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, नमस्ते, हाउ आर यू? आई एम लक्की खान। ए मन्नू खान, मन्नू डॉगिया में मन्नू खान। ए मन्नू खान है। ए ये चल रहा है, क्या हो गया? इतना कुछ सोचा था हमने, मैं वही पता है 2 दिन से चाह रही हूँ मेरे सब्सक्राइबर के साथ शेयर करना। क्या सब्सक्राइब, क्या बोलना है तुम्हारी फैमिली को? बस यही था कि हम लोग ने सोचा था हम लोग मार्च एंडिंग में यहाँ से चले जाएंगे, अप्रैल में अल्तमश के एग्जाम्स थे, लकी का प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट है, काम तो अभी भी है लेकिन जरूरी नहीं है कि यहीं पर रुकना है। तो अल्तमश के एग्जाम्स के बाद हमने सोचा कि फिर मेरा भी सब हो जाएगा मई में, रमजान हो जाएंगे, ईद हो जाएगी, उसके बाद हमारे आगे के कुछ और प्लान्स, लेकिन अब लॉकडाउन हो गया, अल्तमश के एग्जाम्स में वो प्रमोट हो चुके हैं, और सबसे बड़ी बात मुझे डॉक्टर ने अब जर्नी के लिए मना कर दिया, तो अब समझ नहीं आ रहा कि अब कैसे करें, क्योंकि मेरा ऑलरेडी ट्रीटमेंट स्टार्ट था नागपुर में। और एक्चुअली बताया लास्ट टाइम में अपन अभी गए थे नागपुर है ना, तो मैं सारे कपड़े लेके चली गई, मतलब जितना मैंने शॉपिंग किया था ना न्यू बॉर्न के लिए, जितनी मैंने शॉपिंग की थी मैंने बहुत कुछ लिया था। तो मैंने सोचा कि मैं भी जो एक दिन के लिए गई थी जब मैंने गार्डन टूर शेयर किया था, तो
तो मैंने सोचा अब जब हमको जाना ही है 20-25 दिन में वापस, तो फिर कितना कुछ लेके जाएंगे, तो मैं वो सारा सामान वहीं पर रख के आ गई। अब ऑनलाइन भी सब बंद है, मार्केट भी सब बंद है, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं कपड़े ले सकूँ। और अगर हम नागपुर वाले हाउस पे होते तो मार्केट में पहचान है, अल्तमश के इतने सारे कपड़े थे जो मैंने शॉपिंग की, वो सब था। अल्तमश की दूसरी एक्सेसरीज जो थी, बेबी एक्सेसरीज, वो वहाँ पे बहुत सारी है, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो मेरे समझ नहीं आ रहा अब क्या करना चाहिए, ना यहाँ पे मशीन है, ना यहाँ पे कपड़े है, मतलब सिलाई भी करें तो कैसे करें। सुबह से अभी यही चल रहा है कि चार दिनों से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ। और मैंने सोचा है, मैंने कल रात में कुछ वीडियोस सर्च की है, तो मैंने सोचा है कि मैं फाइनली ना कुछ बच्चों की वो गद्दे गोदरी आती है ना, वो हाथ से स्टिच करके देखती हूँ। लेकिन बच्चे के जो पहनने वाले कपड़े हैं उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो अब लकी मेरी क्या हेल्प करेंगे उसमें पता नहीं। लेकिन लकी सिर्फ लेकिन सर स्माइल देंगे, लेकिन कुछ नहीं करने वाले। और क्या बोलना चाहेंगे मेरे बारे में? बैठो तो मैं दिखूंगी मैं कैसा लग रहा हूँ। मुझे ये बताओ मैं क्या करूँ अब? कहेगा मैंने, पता है कुछ गलतियाँ हम ऐसे कर लेते हैं कि मैं मना किया था तुमको, पता है कि सामान लेके आ रही थी, मैंने बोला था मत लेके जाओ यहाँ से सामान, कभी भी ले जा सकते नहीं, धीरे धीरे पूरा चले जाएगा। एक्चुअल में हमारे मेरा जो काम था सेट करना था हो गया था बाद में, धीरे धीरे हमको यानी शिफ्ट करना था यहाँ पे, जो भी सामान लाए थोड़ा बहुत हमने, तो इसने पूरा सामान ना उस दिन लेके चला गया था बच्चे बच्चे को, मैं बोला बहुत सारे चीज़ें इसने लेके चला गया था, बस 15-20 दिन के बाद तो बस निकल जाएगी बोले यहाँ से। तो अब तुम किस नाम है तुम्हारा, बस करो ना कुछ। मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो फिर बोल रहे हो, मेरे को 3 दिन से टेंशन थी। दुकान फोड़ देंगे, खोल देंगे, सब कर देंगे आप, उसका टेंशन के लेने का, डबल का ट्रिपल का रेट ही लेगा ना शॉप वाला। दुकानें बंद है, प्लीज मुझे कुछ एडवाइस करना, इंस्टाग्राम पे कुछ लिंक शेयर करना कि कुछ इजी वे में मैं कर सकूं, या ये चीजें भी ऑनलाइन अरेंज अगर हो सकती है, ऐसे कोई नंबर अगर हो, हेल्पलाइन नंबर, तो प्लीज ऑनलाइन शेयर कर। ऑनलाइन तो सभी बने ना कोरियर, और लेना भी नहीं चाहिए अभी कोरियर वगैरह, पार्सल वगैरह कुछ भी नहीं लेना चाहिए, खास करके बच्चों को, वो देखेंगे कोशिश करेंगे अल्लाह बहुत बड़ा है। अब मेरा बेटे का देखो चोटी मैंने डाला, वो किसने डाला है? डैडी ने। अच्छा लग रही है ना इसे? यस। क्यों ये दुकड़ी क्या कर रही? हम बैठे यार लोग लॉकडाउन में, ये दोनों पर बहुत ज्यादा गहरा असर हुआ है लॉकडाउन का, आप देख सकते हैं। एक है मोहम्मद परवेज करके, उनकी बेटी का नाम है सना, वो बहुत मिस करती है तुम्हारे ब्लॉग को, उसका नाम है सना। हाय सना, हाउ आर यू, अल्लाह तुम्हें अच्छा रखे। उमा करके है, उमा, वालेकुम सलाम उमा, उमा बहुत अच्छी है। हाय उमा, शेयर करो ब्लॉग। एक है हिना आबिदी, वो भी नाराज होती है हिना आबिदी। हाय हिना। एक है अपने सीमा मीना है करके, उनकी डॉटर है, उसका 21 का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे अग्रिमा, अग्रिमा नाम है। माशाल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्त दे, आप तरक्की करे, हर तकलीफ से दूर रहे। एक है अफसान हसन करके है, पाकिस्तान से। हाय अफसान हसन, लव यू, टेक केयर, स्टे होम। हेलो पठान सबीना, हाउ आर यू। अलीना कादरी, हाय वालेकुम सलाम, बोले भाई मेरा नाम लो। अलीना कैसी हो, बहुत अच्छा नाम है अलीना। और मेरे बेटी का जो नाम सजेशन में आ रहा है अलीना, भी बहुत सारे लोग अलीना बोल रहे हैं माशाल्लाह। नबीदा खान, अस्सलाम वालेकुम। जेबा नईम करके किसी का कमेंट आया है भाई, मन्नू ने बताया है ऐसा ऐसा कह रहे हैं करके, माशाल्लाह सब जो मेरी फैमिली है सब्सक्राइबर है, तो उन्होंने तो उसको आंसर दे दिया, मेरी तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए भाग बोलना चाहते हो आप, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, पता नहीं किसके नाम से आईडी बनाई है, अगर इतना दम है तो मुझे डायरेक्ट मुझे बोलो,
मैसेज में आके मैं इंस्टाग्राम पे बोला तुमको अगर तकलीफ है तो, या एड्रेस दे दो मैं आ जाता हूँ, आपको जहाँ बोलना इंडिया के बाहर तो मैं आ जाता हूँ, ये लॉकडाउन की बात लिखी ना। लेकिन एक बात बोलो, नेक्स्ट टाइम अगर चैनल पे आके तुमने गंद फैलाई या फैलाया है, मुझसे बुरा कोई नहीं रहेगा, ये लक्की खान का चैलेंज है। अब तुम लोग तुम समझती होगी या समझता होगा कि पैसा मैं इतना अने कुछ भी कर सकता हूँ, कितना भी पैसा खर्चा करके तुम्हारा एड्रेस निकाल सकता हूँ, साइबर क्राइम से निकाल सकता हूँ या जो भी मेरे चेक है उससे निकाल सकता हूँ। नेक्स्ट टाइम ब्लॉक पे आना नहीं, आएंगे तो तमीज से रहना, लड़का है या लड़की हो, मैं समझा दे रहा हूँ लास्ट टाइम, ये मेरी वार्निंग है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो, कि हमारा तो स्टे होम देखो कैसा है, ये झाड़ू मार रहा है, हमेशा बैठे है और सनसेट हो रहा है, सनसेट भी दिखाओ मन्नू उधर। चलिए तो आज का व्लॉग मैं कहती हूँ यहीं पे एंड, प्लीज अपने प्यारे प्यारे सजेशंस मुझे जरूर से देना। और लॉकडाउन का गहरा असर है इन दोनों पर, तो आपने अगर अभी तक माना इंडियन व्लॉगर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आप सभी के लिए होता है फ्री। ऑल नोटिफिकेशन बेल पे जो ऑल का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करना, ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और ठीक है मैं अब जा रही हूँ, अरे मैं कैसा लग रहा हूँ, आप बाय बाय, मैं कैसा लग रहा हूँ थोड़ा बताइएगा प्लीज। जरूर 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 जरूर। गाइस मुझे आपसे वन बात पूछनी है कि लोटे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आप भी सोचो मैं भी सोचती हूँ। लोटे को लोटे को इंग्लिश में बोलते हैं लौछा, वेरी इजी लोटा, वेरी इजी वर्ड। डैडी आप ये सो bye, I love you. Love you.